वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञा की रसोई। तो आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विज्ञा की रसोई में। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं मटर पनीर और डालेंगे बटर। तो चलिए फिर हमारे साथ देखते रहिए। तो यहाँ पर हमने लहसुन लिया है, प्याज लिया है, टमाटर लिए हैं, बटर है, हल्दी का पाउडर, मिर्च का पाउडर, ये धनिया का पाउडर है और ये है हमारा पनीर। तो हमने यहाँ पर आधा किलो पनीर लिया है। तो चलिए हम इसको कट कर लेते हैं पनीर को और मसालों को पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज कट करके रखे है और इसी में लहसुन भी डाल दूंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑयल गरम हो चुका है। हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे तेज पत्ती। तो ये है 2 तेज पत्ती, तो इसे हमने डाल दिया। और यहीं पे डाल देंगे हमारे मसाले को जो हमने पीस कर रखा है। तो ये हमारे मसाले और इसे मिक्स कर देंगे। तो इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। तो यहाँ पर हमारे मसाले भून रहे हैं, इसी में हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर और धनिया का पाउडर मैं बाद में डालूंगी। तो अभी मैं डाल देती हूँ नमक। तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इस तरह से हम इसे ऑयल के छोड़ते तक भूनेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ, लास्ट में और डालूंगी। तो हम बटर पनीर बना रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है बटर पनीर का। इसे अच्छी तरह से भूनते हैं ऑयल के छोड़ते तक। तो ये देखिए हमारा बटर भी मेल्ट होने लगा है। यहीं पे मैं डाल दूंगी टमाटर। तो टमाटर हम कट करके डाल देंगे। इस तरह से 2 से 3 टमाटर डाल दूंगी मैं। और बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे जो प्याज और टमाटर और लहसुन है ये सब का कच्चापन जब तक ना जाए तब तक इसे अच्छे से भूनेंगे। तो इसे मिला लेते हैं। तो इसमें मैंने अभी धनिया का पाउडर नहीं डाला है, बाकी सारी चीजें हमने इसमें ऐड कर दी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पे हम अपने धनिया का पाउडर भी ऐड कर देते हैं और इसे भी साथ में भून लेते हैं। तो लगभग मैंने 2 चम्मच धनिया का पाउडर ऐड कर दिया और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मलाई डाला है। तो ये हमारे घर का मलाई है। तो मैंने यहाँ पर 1 से 2 चम्मच मलाई डाला। तो इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो आपके यहाँ अगर घर का मलाई नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसे मिला लेते हैं और भून लेंगे मसालों को।
इस तरह से अच्छे से भुनेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, मलाई हमारा पक गया है इसमें साथ में मसालों के। तो यहीं पे हम थोड़ा सा पीस कर डाल देंगे पनीर। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको यहाँ पर काजू नहीं डालना पड़ेगा। तो चलिए इस तरह से हम यहाँ पर देख लेते हैं, डाल देते हैं थोड़ा सा पनीर। तो पनीर का छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है और इस तरह से बनाने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो कुछ को मैं बाद में डालूंगी, डेकोरेशन के लिए छोटा सा रख देती हूँ और इसे मिला लेंगे। तो बिल्कुल मलाई डालने से आपको काजू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो घर का गाढ़ा मलाई था। तो ये देखिए इस तरह से हमारा मसाला तैयार हो रहा है। तो थोड़ा सा किस के डालने से इसे ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ठीक बनती है और टेस्टी भी लगता है। तो चलिए यहाँ पर हम पनीर को भी ऐड कर देते हैं। तो ये रही हमारी पनीर और साथ में मसालों के, इसे भी हल्का सा भून लेंगे। और इसे मिला लेते हैं मसालों के साथ। तो ये देखिए बहुत अच्छे से कोट हो गया है हमारा मसाला और इसे मसालों के साथ हल्का सा भूनते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं दिखाती हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है ना हमारा पनीर, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो यहाँ पर हमने बटर डाला है और बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा लाजवाब सा बटर पनीर तैयार हो चुका है। तो इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी करके डाल देंगे ताकि हमारा ग्रेवी है वो अच्छा बने। तो मैंने यहाँ पर पानी गर्म करके रखा था, इसे डाल देती हूँ। तो ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी ठीक रखनी है। तो अगर आपको कम लगे तो आप बाद में डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा पनीर कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा लाजवाब सा पनीर बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। इसमें हम ऊपर से एक बटर का टुकड़ा डाल देंगे और ये हमारा पनीर बनकर रेडी हो चुका है। तो आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, बच्चों का एग्ज़ाम है तो इसलिए मैं थोड़ा डाल नहीं पा रही हूँ वीडियो। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कसूरी मेथी भी ऐड कर देते हैं लास्ट में, तो इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने कसूरी मेथी डाल दिया है। तो कॉम्बिनेशन इसका बहुत ही अच्छा होता है। तो ट्राई करके ज़रूर देखें और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करें कि कैसी लगी आपको रेसिपी। अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। बाय बाय फ्रेंड्स।